हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन चार्ट आईक्यू। तो जैसे आप लोग देख रहे हैं कि मार्केट आज गैप अप ओपन हुआ है, तो इसके पहले मैंने ट्यूजडे को एक पोजीशन बना के गए थे अपसाइड का, जैसा कि आप लोग यहां पे देख सकते हैं कि मैंने पुट को शॉर्ट किया था और एक पुट को बाय किया था, सिंपल हेज किया था। तब हम लोग वेट करते हैं मार्केट ओपन होने का, ये तो प्रॉफिट देगा ही, और इसको स्क्वायर अप के बाद हम लोग कोई भी स्कैल्पिंग का ट्रेड लेंगे तो आप लोगों को अपडेट करेंगे। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें। तो जैसा आप लोग देख रहे हैं, सिंगल लॉट में ही मेरा 1200 का प्रॉफिट हो रहा है। तो अब हम लोग इसको स्क्वायर अप कर लेंगे और स्कैल्पिंग के लिए फिर से वेट करेंगे। तो मैंने स्क्वायर अप कर लिया पोजीशन का, तो उसका प्रॉफिट है 1181। तो अब हम लोग कोई भी स्कैल्पिंग का पोजीशन डाउन साइड कर लेंगे। तो डाउन साइड के पोजीशन के लिए अब हम लोग वेट करेंगे। अगर 10 बजे से पहले कोई भी पोजीशन बना तो हम लोग बनाएंगे, वरना नहीं बनाएंगे। तब तक आप लोग वेट कीजिए और हम भी वेट करते हैं। तो जैसा मैंने कल का एनालिसिस किया था, वैसा ही अगर मार्केट 39,500 के पास आके अगर एक एम पैटर्न बनाएगा तो हम लोग यहाँ से एक पोजीशन को शॉर्ट कर सकते हैं, यानी पुट को बाय कर लेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने वो एनालिसिस नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं ऊपर कार्ड में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो अभी एम पैटर्न बनेगा, उसका ब्रेकआउट होगा, तब हम लोग कोई भी पोजीशन बनाएंगे, वरना नहीं बनाएंगे। तो अभी तक मार्केट 60 के नीचे क्लोजिंग नहीं दे रहा है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो जैसे ही मार्केट 60 के नीचे क्लोजिंग देगा हम लोग पोजीशन बना के अपडेट करेंगे। तो मार्केट अब 60 के नीचे के साथ साथ अपने प्रीवियस स्विंग को भी अगर क्रॉस करके नीचे क्लोजिंग देगा तब हम लोग पोजीशन बनाएंगे, और हम लोग अगर टारगेट होगा गैप, जहाँ से ये गैप लिया है वो हम लोगों का टारगेट होगा, उसको भी मैं मार करके आप लोगों को अपडेट करूँगा। जैसा मैंने कहा था कि 60 के नीचे जो क्लोजिंग दे दिया, लेकिन इस स्विंग के नीचे क्लोजिंग देगा तब हम लोग पोजीशन बनाएंगे। आप लोग देख सकते हैं कि पोजीशन ना बनाने का फ़ायदा, अभी हम लोग लॉस में होते। तो अब जब तक इसको क्रॉस नहीं करेगा तब तक हम लोग कोई भी पोजीशन नहीं बनाएंगे। तो मार्केट साइडवेज चला गया जैसा आप लोग देख रहे हैं। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।